यार तुम भी तो इतनी बातें बोल देती, मैं तो रोता नहीं हूँ, पर जरा से दो बात क्या बोल दो तुम रोना रोना स्टार्ट कर देती हो। है एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे 9 और आज थोड़ा सा लेट उठा, लेट क्यों उठा हूं क्योंकि ना रात से मेरे सर में हो रहा है दर्द बहुत ज्यादा, एंड घर में पेन किलर खत्म थी तो अब भी पेन किलर लेके आया हूं। पेन किलर खाने से पहले, क्योंकि पेट खाली तो कुछ खा नहीं, दवाई खा नहीं सकते, तो सुधा ने मेरे लिए बना दिया है नाश्ता। एंड सुधा से मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाश्ते में सुधा ने बॉइल करके एग बनाए हैं और बहुत दिनों बाद हम नाश्ते में खाएंगे फैन। ये कल लेके आया था मैं, बहुत क्रंची है और वो कहते हैं ना लाइक अजवाइन वाले, जो अजवाइन लगे होते हैं वो वाले फैन है। और कुछ बनाने में ना पता है क्या टाइम लगता है, और तुम्हारे सर में दर्द, और सीरियसली मतलब बहुत ज्यादा मेरे सर में दर्द है, बहुत ज्यादा। फटाफट इससे काम चलाते हैं तो कोई बात नहीं यार। और आज और सबसे बड़ी बात है कि आज आई एम ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर हूँ मैं तो। एंड ये बच्चे आ जाओ भाई, जल्दी से नाश्ता कर लो। छोटे बच्चे को बताने क्या होगा? ओहो, छोटे बच्चों को क्या होगा, देखो ये बड़े बहुत बड़े अंकल हैं, ये लॉस गेमर वाले अंकल हैं। हंसेंगे क्यों? आपका आपको आगे आगे चल के आपको चैनल नहीं बनाना अपना, लॉस गेमर क्रंची है। तो चलो गाइस, मैं भी जाके थोड़ा सा जल्दी से नाश्ता कर लूँ क्योंकि बिकॉज मेरे को खानी है दवाई, जब क्योंकि दवाई खाऊंगा जब थोड़ा ठीक रहूंगा। तेज से बारिश हो रही है, देखो कितनी जोरों की आंधी के साथ साथ बारिश हुई है। और हमारा जो ये बेल लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये गिलोय की बेल है जो कि ग्राउंड फ्लोर से सीधे टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, और बहुत ही झकास वाली बारिश हो रही है। जो खाना है वो मैं लाने वाला हूँ बाहर से, क्यों? क्योंकि हम सबकी मार रही है जीभ चटकारे, और खासकर तो इसकी जीभ मार रही चटकारे। क्या लाना है? पैरी बोल रही है हम थाएंगे चिकन। हाँ। और तंदूरी लोती। हाँ। चिकन तंदूरी। हाँ। चिकन तंदूरी खानी है। हाँ, मुझे भी खाने का मन लगता है, बटर चिकन और रोटी। एक एक बंदे की ना, एक एक बंदे की लिटरली जैसे जीभ चटकारा मारती है ना, जाएंगे ना बात तो गए। सुन लो उसकी, गलत क्या कह रही हूँ, कह रही की गए तो बाप ही है ना। सही बात है, जितना मेरी जीभ पे कंट्रोल है शायद किसी का होगा। ओ बिल्कुल। तो आज मैडम की जीभ चटकारे मार रही है, तो मैडम को खानी है दाल मखनी, तो मैं जा रहा हूँ आज बाहर से खाना लेने बहुत दिनों बाद। और आपने वो वाली वीडियो भी देखी थी ना बच्चों को, अभी इस चक्कर में क्योंकि बाहर ले जाना सेफ नहीं है, तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ कि भाई बाहर जाना क्यों नहीं सेफ है। तो मैं जा रहा हूँ खाना लेने बाहर। और आपने दूसरी वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर एंड कुहू ने और सुधा ने बनाई है अभी रील्स ढेर सारी। तो भाई मैंने बोला भाई कि मेरी कुहू भी तैयार हो चुकी है रील्स बनाने के लिए, एकदम पूरी प्रिपेयर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। नए चैनल को सब्सक्राइब, डू लाइक एंड लाइक छोड़ देना, लाइक छोड़ देना है, लाइक लाइक ठोक देना है, ठीक है? तो लाइक ठोक दो, ठीक है ना, कू के कहने पे। और कमेंट लाइक ठोक दो भाई प्लीज, अभी के अभी कू ने बोला है, अभी के अभी लाइक ठोक दो, ठीक है ना भैया? तो गाइस आप जब तक लाइक ठोक दो, और जो चैनल पे नए हो तो वो चैनल को लाल बटन दबा के कर दो सब्सक्राइब।
तो कू आई है मेरे साथ खाना लेने, क्योंकि ये मान नहीं रही थी, कहती मेरे को भी चलना है, तो उसको मैं साथ ले आया हूँ। और ये सामने हम आ गए होटल पे, जहाँ से हम अपना खाना पैक हो चुका है और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। भूख लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो, तो इसको लग रही है भूख, इसको भूख इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि आज खाने में है कढ़ाई पनीर और तंदूर की। अपना डिनर और अब हो रही है सोने की तैयारी। बच्चे जा चुके हैं सोने के लिए, ये ड्रामा कर रही है, नहीं सोई, ये लग रहा है सोई लेकिन सोई नहीं है। और सुधा जी सिल रही है दिल, टूटा हुआ दिल सिल रही है, मतलब टूटा हुआ दिल मतलब कि मेरा नहीं, ये सजाने वाला दिल था वो टूट गया था तो उसको सिल रही है। बाकी टूटा हुआ दिल सिलने में तो वैसे माहिर है, टूटा हुआ दिल सिल सकता, मारे डालोगी कसम से, ऐसी बातें करते थी ना तुम एकदम, टूटता लेकिन सिल जाता। सही कह रहे यार, बट अगर दिल नहीं टूटता तो यार कहते ना कभी कभार कि आदमी सबक कैसे मिलता है। यस, कि लग रहा सो गए लेकिन सो ही नहीं है। 11 बजे कौन गंगा करता बालों में, ये तैयार। और सुबह के बज रहे हैं 8, मैं नहा धो के हो चुका हूँ फ्रेश, सुधा बना रही नाश्ता। एंड कल यार बहुत बुरी चीज हो गई, बुरी चीज क्या हो गई, रात में मेरी और सुधा की हो गई लड़ाई, और वो रात से ही लिटरली बहुत नाराज है मेरे से, मेरे से बात भी नहीं कर रही है वो। अरे सुनो ना यार, सुनो तो सही, मैं पूजा तो कर ही लूंगा लेकिन मैंने बोल तो दिया यार सॉरी यार, घंटे घंटे में रुला लो फिर सॉरी बोलूंगा। ठीक है तो मैंने बोला ना सॉरी तुम्हें यार, अब आपके बताओ कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊं क्या, मान जाओ ना यार, तुम भी तो इतनी बातें बोल देती, मैं तो रोता नहीं हूँ, जरा से दो बात क्या बोल दो तुम रोना रोना स्टार्ट कर देती हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है ना, जाओ ना। कहाँ जाऊँ मैं, फोन हटाओ। क्यों मैं फोन हटाऊँ, जब तक तुम ऑन स्क्रीन नहीं बोलोगी ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं ऐसे ही फोन पकड़ रखूंगा। चाय ठंडी हो रही है, जाओ पूजा कर लो, करना है तो मैं ले, आप मेरे बिना नाश्ता कर लोगी, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे पता हो नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता कि तुम मेरे बगैर नाश्ता कर लो, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे जाओ अंजलि, मैं आता हूँ पूजा करके। बच्चे मेरे लग गए नाश्ता करने में पहले से, ये मेरी कू बुक्कड़ नंबर वन बुक्कड़। हाँ खत्म हो रहा है इसलिए बंदर आ रहा है ना, इंसान ना पैर काटते रहे, वो देखो अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए थे, तो कू कह रही है कि भैया क्योंकि लोग पेड़ काट रहे हैं तो इसलिए बंदर अब हमारे यहाँ हमारे घर पे आ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात की है मेरी बेटी ने। अभी भी नाराज हो क्या? नहीं पक्का, वैसे वह पता नाराजगी कैसे गई है, कपड़े धोते धोते सारी नाराजगी हो, इसकी नाराजगी धुल गई, धुल ही जाएगी। खाने में बनाया है सुधा जी ने आज आलू सोयाबीन, मतलब मेरे को तो बहुत ही पसंद है सोयाबीन तो, सीरियसली मतलब चाहे वो सब्जी हो चाहे पुलाव हो मुझे तो बहुत पसंद है। कह था ना तब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी, एक दिन हसीना मान जाएगी, सरी पीट सकते हैं हम औरतें तो। अरे सर मत पीटो, ऐसे करो हमारे बाल नोच लो, सर पीट दो नहीं हमारे बाल नोच लो।